हम माता भवानी के प्रति प्रभु श्री राम की अगाध श्रद्धा और समर्पण की एक कथा का रसा स्वादन करते हैं। बात चेतावनी की चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल शिरोमणि दशरथ के घर भगवान राम ने बाल जन्म लिया। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। बाल रूप में राम ने अपने भ्राताओं सहित अनेक लोक लुभावन लीलाएं की। परंतु राम का दुर्भाग्य देखिए, जिस दिवस उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होना था उससे मात्र एक दिन पूर्व उन्हें गृह त्याग करना पड़ा। शीघ्र ही माता कैकेयी के हट के कारण श्री राम को पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास हेतु रवाना होना पड़ा। वनवास का 14 वर्ष और भी कष्टकारक था। अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान से आहत लंका नरेश रावण ने माता सीता का धोखे से अपहरण कर लिया। दशानन रावण की शक्ति का तुम्हें मान नहीं सीते, अब मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं रावण, तुमने मेरे स्वामी की शक्ति का अपमान किया है, वे तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण पुकार ले और पुकार। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दर दर भटकने लगे। वही राम की भेंट हुई रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान से। राम ने हनुमान को सीता की खोज हेतु दक्षिण की ओर रवाना किया। पवन मेघ से लंका पहुंचकर माता सीता का कुशल क्षेम जाना और फिर लंका नरेश के दरबार में पहुंच गए। लंका नरेश रावण, मैं राम भक्त हनुमान आपके लिए प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। आप माता सीता को सादर श्री राम को लौटा दें। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। मूर्ख वानर, उन वनवासियों का दूत व वन की खाक छानने वाला राम इस त्रिकालदर्शी स्वर्ग पृथ्वी और पताल का स्वामी रावण को क्षमा दान देगा। तो जाकर उन वनवासियों से कह दे, मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। लंकेश, ऐसा विवेकहीन हट तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। माता सीता का अपमान मेरे प्रभु सहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए अभी भी समय है। भगवान श्री राम से समझौता कर अपना और अपने कुल को विनाश से बचा लो। विनाश, लंका पति रावण का विनाश
अरे मूर्ख वानर, विनाश तो तेरा होगा। सैनिकों, वानर को अपनी पूंछ से अत्यंत प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। समझौते के समस्त प्रयास असफल हुए। वानरराज सुग्रीव की वानरी सेना ऋक्षराज जामुन महाबली अंगद और राक्षस कुल के भीषण की सहायता से राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। घमासान युद्ध की सलाह पर इंद्र ने राम को चंडी की जनता का मार्ग अश्विनी शुक्ल षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नौमी को पूजा कर दशमी को देवी का शास्त्र विधि से विसर्जन किया। विभीषण ने उन्हें बताया कि उनके चरणों में 108 नीलोत्पलों का समर्पण किया जाए। देवी फिर भी प्रकट न हुई। राम के नयनों में आंसू आए। हनुमान के लाए 108 नीले कमल राम ने मां के चरणों में समर्पित कर दिए, परंतु ये क्या, वहां तो 107 ही कमल थे। देवीता में भी एक भी कमल शेष न थे। ये कैसी परीक्षा माते, अब कहां से लाऊं एक और कमल? तुम ही मार्ग दिखाओ मां। कोई बात नहीं, मुझे भी तो लोग नील पद्माक्ष ही कहते हैं, तो मैं अपना एक नयन ही मां जगदम्बे के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मां मेरी भेंट स्वीकार करो। मां